थोड़ी देर पहले किया गया कि मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दलफसाद का आगाज किया जा रहा है ऑपरेशन जरब अज के बाद इसकी इंतहा बरवक अनाउंसमेंट से कितना फर्क पड़ेगा क्या क्या चीजें मुतवक् हैं जिस तरीके से आई एस प्यार ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है Uh, के जो ऑलरेडी ऑनगोइंग ऑपरेशन है मुल्क भर में वो भी जारी रहेगा फिर पंजाब में रेंजर्स की तैनाती का मामला था वो भी की जाएगी और जिसका नोटिफिकेशन अब से थोड़ी देर पहले uh, आ भी गया है इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से इसके अलावा इस आई एस पी प्रेस रिलीज में ये भी बताया गया है कि uh, जो बॉर्डर्स को सिक्योर करना है पाकिस्तान एयर फोर्स पाकिस्तान नेवी सिविल आर्म्ड फोर्सेस एंड अदर सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ विल कंटिन्यू टू एक्टिवली पार्टिसिपेट सपोर्ट दू एलिमिनेट द मैनेस ऑफ टेरिज्म फ्राम द कंट्री तो ये फसाद जिसका बर वक्त ऐलान किया गया है बहुत से लोग इसको सराह भी रहे हैं लेकिन साथ ही साथ इसमें एक बहुत अहम जो नुकता है वो नेशनल एक्शन प्लान का है जिसका जिक्र किया गया है कि पर्सुन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान विल बी दी होल मार्क ऑफ दिस ऑपरेशन और नैशनल एक्शन प्लान के हवाले से आपको याद होगा कि जब से ये बीस नकत हमारे सामने आए तमाम पुलिटिकल फोरस ने इस पर इत्फ़ाक़ किया लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया गया इसका एतराफ़ भी तमाम जमातें करती नज़र आती हैं गो के हर सूबा ये बताता है कि हमारी हुकूमत ने सद तक काम किया हमारी हुकूमत ने सद तक काम किया लेकिन मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका इसका एतराफ़ तमाम ही सूबाई हुकूमतों की तरफ से किया जा रहा है आज ये जो रेंजर्स की तैनाती है पंजाब में इस हवाले से जो नोटिफिकेशन आया है वो भी ये कहता है कि एंटाई टेररिज्म एक्ट 1997 के सेक्शन फोर के सब सेक्शन टू के तहत पंजाब भर में रेंजर्स की तैनाती जो है वो की जा रही है और पंजाब में रेंजर्स के आ, पांच विंग्स जो हैं वो तैनात किए जाएंगे और आपको बताते चलें कि सूबे में दो विंग्स जो हैं वो ऑलरेडी तैनात हैं यानी टोटल जो हैं वो सात विंग्स हो जाएंगे एक विंग में चार कंपनियां होती हैं और एक कंपनी में सौ जवान होते हैं तो इस तरह कुल मिलाकर इस सूबे में रेंजर्स की जो तादाद है वो तकरीबन तीन हज़ार हो जाएगी साथ ही साथ जो मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के वाक़ात हमें नजर आए हैं उस हवाले से आर्मी चीफ़ का एक बार फिर से दो टोक और वाज बयान आया है भारत के हवाले से भारत को बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है और ये कहा है कि वो सब जानते हैं कि इन तमाम दहशत गर्दी के वाक़ात के पीछे कौन है और भारत की तरफ़ से खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो सीज़ फायर वायलेशन है उस पर क्या महरिकात हैं वो क्या डिज़ाइन है जिसके तहत भारत ये कर रहा है वो भी जानते हैं और कुलभूषण यादव के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है ये एक ऐसा एविडेंस है जिसको भारत झुटला नहीं सकता एक सर्विंग नेवल ऑफिसर भारत का आ, और जिस तरीके से रॉक इन्वॉलमेंट है उसको हम आ, कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते और अफग़ानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है अभी तक जितने भी इंसिडेंट्स हमने देखे हैं दहशत गर्दी के जिस तरीके से जमातुल अहरार ने रिस्पांसिबिलिटी भी ली और जमातुल अहरार जो है वो अफगानिस्तान में बैठ के ऑपरेट कर रही है ये तमाम चीज़ें भी हमारे सामने हैं और कुलभूषण यादव के मामले को मनतकी अंजाम तक लेकर जाएंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कहा है तो वो लॉजिकल कंक्लूजन जो है वो क्या होगा और सफारती सतह पर हम किस तरीके से बेहतर अंदाज में तमाम चीज़ें उठा सकते हैं और यहाँ पर प्रोग्राम में हम आपको एक क्लिप एक शॉट सुनाना चाहेंगे जो कि सबक भारतीय चीफ आर्मी चीफ़ जनरल बिक्रम सिंह का है और ये जो वाक्यात आपको पाकिस्तान में टेररिज्म के नज़र आ रहे हैं ये इन वाकयात के शुरू होने से कुछ दिन पहले उन्होंने दिया है जिसमें वो पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की बात करते हैं फौज को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में उलझाने की बात करते हैं और इस तरीके से पाकिस्तान कश्मीर पर या बाहर के किसी मामले पर नज़र ना रख सके वहाँ तवज्जो ना दे सके पाकिस्तान को यहाँ पर अपने ही लोगों का खून बहाकर उलझा दिया जाए क्या कहा था उन्होंने क्या प्लान बताया था सुनिएगा हमने इनकी जो एक नजर है जो इस वक्त बाहर की तरफ है उसे हमने घुमा के अंदर इंटरनल उनको अंदर अपनी जो मुल्क के हालात है वहां पे करवानी है और वे तभी होगा जब हम उनको उनका खून बहाएंगे ठोकना कैसे है हमें जरूरी नहीं हम खुद करें पाकिस्तान के अंदर बहुत लोग मिल जाएंगे जो कि पैसे के लिए काम कर देंगे अगर हम पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते हैं तेल फेंकते हैं हमें वो करना चाहिए तो जब हम तेल फेंकेंगे उसकी इंस्ट्रक्शन मूवमेंट्स के अंदर तो यकीन पाकिस्तान की फौज अपनी तरफ अंदरूनी जो मामला उनका माहौल है उसको देखेगी ना कि कश्मीर में क्या हो रहा है भारत में क्या हो रहा है हमें ये केपेबिलिटी तैयार करनी है एसीमेट्रिक केबिलिटी तैयार करनी है तो अनलेस वी डू दैट यू हैव टू कट लोहे को लोहा काटता है केपेबिलिटी अपनी होनी चाहिए लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनकी अवाम को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में कैसे मासूम लोगों का खून बहाना है और कैसे पाकिस्तान के अंदर के ही अनासर को वो तमाम तहारिक जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं पाकिस्तान में उनको कैसे सपोर्ट करना है कैसे बढ़ावा देना है इन तमाम चीज़ों का इतराफ़ कर रहे थे जनरल बिक्रम सिंह और भारत के मुलविस होने पर यहाँ जितनी भी दहशत गर्दी की कार्रवाइया हैं उसमें किसी को शक शकोशुबा नहीं है लेकिन इस बयान के बाद भी और कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद भी ख़ास कर सफारती महाज पर कैसे हम मौसर अंदाज में मुकदमा लड़ते हैं ये बहरहाल एक बुनियादी सवाल है जो अपनी जगह मौजूद है इन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे मेहमानों का पहले तार्फ़ करवा दूँ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेब साहब हमारे साथ मौजूद हैं पोलिटिकल एंड डिफेंस अनाललिस्ट हैं बहुत शुक्रिया आपकी तशीफ आवरी का हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब पेशावर में ज्वाइन कर रहे हैं सबक सेक्रेटरी फाटा हैं ब्रिगेडियर साहब आपको भी प्रोग्राम में खुशा आमदीद और लाहौर में महरीन अनवर राजा साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं और मलिक अहमद खान साहब पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ साहब का ताल्लुक है आप दोनों को भी प्रोग्राम में खुशा आमदीद कहते हैं जनल साहब सबसे पहले तो ये जो आज ऐलान किया गया ऑपरेशन जरबे अज़ के बाद जो जारी ऑपरेशन हैं वो भी नजर आएंगे लेकिन रद्दुल फसाद क्या सिग्निफिकेंस इसकी आप देख रहे हैं बस रही देखिए इसका सिग्निफिकेंस बहुत है और मैं समझता बड़ी इम्पोटेंट एक पेशरफ है इसमें कहा गया है कि आपके मुल्क को हथियारों और गोला बारूद से पाक किया जाएगा जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है बहुत देर इस पर बात होती रही लेकिन इस पर रेजिस्टेंस था जब कराची में करने की कोशिश की गई तो वहाँ कहा गया कि जी बाकी पाकिस्तान में क्यों नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि इसकी ज़रूरत है इसके अलावा आपने देखा कि रेंजर्स की एम्प्लॉयमेंट का किस्सा जो बहुत बड़े अरसे डिमांड थी वो पूरी हुई चल रहा है ऑपरेशन तो बिल्कुल आप देख लीजिए कि एयरफोर्स और नेवी और ये जो इस्तेमाल करने का हमने कहा इसमें सी पैक का इशू इसमें आपका समंदर में जो हमें खतरा रहता है कि वहां से भी वेपन्स वगैरह जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं इन सारी चीजों को कोऑर्डिनेटेड शक्ल में हम लेके आगे चलने लगे हैं तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ है सही। इसके साथ साथ आपने देखा कि नेक्टा में भी पेशरफ ये हुई कि एक उनका डिफ्... जो जो इंटेलिजेंस का जो जे आई डी है डायरेक्टरेट है उसके ऊपर एक ऑफिसर जे आई डी में वो जो जितने लोगों की तैनाती करनी थी वो 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 नहीं नजर आई एक ब्रिगेडियर को उन्होंने लगाया अभी हुई नहीं लेकिन एक पेश रफ्तार है मैं समझता हूँ कि वो चल निकलेगा अगर अर्जेंसी गवर्नमेंट ने समझी इस मामले में जो होनी चाहिए तो उसको जल्दी फ़ाल कर लिया जाएगा अब सूरत हाल ये है कि इसमें हम किस हद तक मुखलसमने ये ड्रामा तो कर दिया ये सारी बात तो हमने कर दी एक ए, एक प्लान भी सामने रख दी क्या हम तैयार हैं कि हम अपने मफादा से हट के अब आवाम की जानो माल के तहफ़ की तरफ तोज्जो देंगे अपना मफाद मिसाल के तौर पर आप सिंध में ले लीजिए वहां पे ऑपरेशन जो है वो आके वहां खत्म हुआ स्टॉल हुआ जब रेड जो लोगों पे करने शुरू किए गए जहां से करप्शन निकल रही थी ठीक है तो उस मामले पे आके उनसे कहा गया कि आप हमसे पूछ के करेंगे सही। या ताने बाने किसी सियासी जमात की तरफ जाते थे उससे मिलते अंदरून सिंध में एक रेड किया गया तो वो जो इंटीरियर मिनिस्टर था इनका सिंध का उसका फ्रंटमैन वहां पकड़ा गया तो उसने वो सारा मामला ही गड़बड़ करा दिया और अल्टीमेटली अंदरून सिंध से वापस निकलना पड़ा आपको आज रेंजर्स के पास वहां ही नहीं है अगर पंजाब में रेंजर्स इसी तरह इस्तेमाल हुए तो उनका भी नतीजा कुछ नहीं होगा okay. अभी हैंड आउट वो आया नहीं जिससे पता चले कि पंजाब में रेंजर्स को किस तरह के अख्तियार हैं और राना दो ऑलरेडी मौजूद हैं तो ब्रेक ले लेते हैं ब्रेक से वापस आते हैं क्योंकि हमारे साथ पंजाब हुकूमत के तर्जुमान खुद मौजूद है मलिक अहमद खान साहब तो ये, ये बहुत बहुत थीज़े थीज़े जो जनरल साहब ने सवाल उठाया कि जी वो अख्तार क्या होंगे क्या दिए जा रहे हैं वो से जानने की कोशिश करेंगे एक ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आहमदी मलिक अहमद खान साहब ये जो अहम एक आज का फैसला हमारे सामने आया है पाक फ़ौज के ऑपरेशन रद्दुल रद्दलफसाद के बाद और उसी प्रेस रिलीज़ में जिक्र किया गया है पंजाब में रेंजर्स की तैनाती का जिसका नोटिफिकेशन भी आ गया है इख्तियार के हवाले से क्योंकि आप बेहतर अंदाज़ में बता पाएंगे कि यहाँ पर जो पाँच विंग्स जिनको तैनात अब किया गया है उनको क्या हासिल होंगे पंजाब में ऑपरेशन करने के अच्छा देखें जो इंट्रस्टमेंट ऑफ ड्यूटीज़ है ये और एम्पावरमेंट का जो और इख्तियारात क्या होंगे क्या नहीं ये सब कानून के अंदर वा, वा, वाजे हैं इनको दर्ज कर दिया गया है ये स्टेट्यूटरी कमांड के तबे होंगे और जो कानून इजाज़त देता है वो वह होंगे क्योंकि रेंजर्स इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली कोई ऐसी आ, इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते वो सिर्फ वही इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका प्रोवाइज़ो रेंजेस एक्ट के अंदर मौजूद है और यह एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 सेवन उनको किसी इख्तियार की इजाज़त देता है सो so, ये दिस इज़ द करिएशन ऑफ स्टेट्यूट ये एक आयन की मंशा के मुताबिक कानून की मंशा के मुताबिक होगा और इसमें जो दो एक्ट्स हैं वो रेंजेस एक्ट है और एंटी टेररिज्म एक्ट नाइन्टीन नाइन्टी सेवन है और इसी तरह से ये सारे फेडरल फेडरल एक्ट्स हैं और इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ पाकिस्तान की आर्टिकल वन सेवन है अब रेंजर्स की डिप्लॉय ये जो आप रेंजर्स एक्ट की बता रहे हैं ये इसके आर्टिकल सेवन जो हमें बताया जा रहा है कि जी पैरामिलिट्री फोर्स कैन असिस्ट द पुलिस इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम इन बॉर्डर एरिया एंड री एनफोर्स मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर राना सना साहब की इस वक्त स्टेटमेंट मेरे सामने मौजूद है और वो ये कहते हैं कि यहाँ पर रेंजर्स दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मावनत करेगी किन इलाकों में रेंजर्स को इख्तियार होंगे ये फैसला अभी होना बाकी है नहीं देखिए मैं ही मामला गड़बड़ है नहीं मैं जनसा गड़बड़ है नहीं, जन साहब मुझे इजाज़त दें इतना सस्पेशन ना करें जी जी जरूर जरूर प्लीज़ आप, आप मतलब आपकी आपकी राय को हम बड़ी अहमियत देते हैं और बड़ी कदर की निगाह से देखते हैं और आप एक बड़ी सीनियर पोजीशन पे हैं लेकिन आप इतने शकूक व शुभात अब नहीं रहने चाहिए देखिए जितनी सिक्योरिटी ऑफ पीपल आपके नज़दीक अजीज़ है उससे मैं समझता हूँ कि मुझे पाँच हाथ ज़्यादा है और मैं क्योंकि आई एम अ क्रिएशन ऑफ अ वोट और वोट की क्रिएटेड चीज़ जो है वो पब्लिक सिक्योरिटी को पहले सबसे ज़्यादा प्राइमरी मोस्ट कंसर्न में रखेगी नौ मेरी अब गुजारिश ये है कि वी आर स्टार्टिंग ऑफ अगेन वंस अगेन वी आर स्टार्टिंग ऑफ ये हमने ज़रबिया के नतीजे में देखा कि ऑपरेशन के जो डिविडेंड्स थे वो डिविडेंड्स क्या थे क्या सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान के कॉम्प्लीमेंट करने से वो डिविडेंड्स हमें मिलने थे या नेशनल एक्शन hmm. प्लान की ऑन द स्केल ऑफ वन टू टेन उसकी माइन्यूट स्क्रूटनी से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि कहाँ पर लैपसेस थे और कहाँ पर नहीं थे अच्छा उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है फैक्ट्स एंड फिगर्स विल स्पीक फॉर इट और मैं अगर आपको हक बात कहूँ हक बात ये कहूँ कि नेशनल सिक्योरिटी जब एक ब्लास्ट हो जाता है तो पूरी रिजीम तोड़ देती है वो पूरा जो आपका एक नेगेटिव बिल्ड हुआ होता है उसको वापस आपको पॉइंट ज़ीरो पर ले जाती है अब इसी वजह से हमें ज़रब के बाद दोबारा रदुल्फसाद पर जाना पड़ा अब मैं आपसे यह अर्ज़ करूँ कि रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट बड़ी नेक नीति के साथ और इस इंटेंशन के साथ और इस जज्बे के तहत की गई है कि अवाम पाकिस्तान को पंजाब के अंदर वो सहूलत मिलनी चाहिए कि उनको तहफ़ का एहसास हो और जहां जहां पर दहशत गर्दी का है। कोई अंसर है, उसको तोड़ा चले आप आप सही कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि नेक नियति से की जा रही है ये तमाम तैनाती रेंजर्स की लेकिन जो इतलात है और मैं सिर्फ खुद से नहीं कह रही हूँ मेरे सामने राना सनाउल्ला साहब के स्टेटमेंट्स मौजूद है मैं उन्हीं को कोट करते हुए कह रही हूँ मेहरीन साहब आपकी जाने बातें कि जिस तरह राना सना साहब ने कहा है कि जी सी uh, के तहत पुलिस को अमन व अमान के क्याम के लिए हासिल इख्तियार जो हैं वो बहुत वसी हैं और रेंजर्स को पुलिस पावर्स देने का फ़ैसला अभी हमने नहीं किया है और ना ही उन्हें पुलिस पावर्स की ज़रूरत है तो अगर वाकई में और जो ख़बरें आ रही हैं कि ये एप कमेटी से पूछा जाएगा रेंजर्स बताएगी कि जी फ़लां जगह हमने छापा मारना है फ़लां लोगों से गिरफ्तारी होगी फिर बैठे रहेंगे एपेक्स कमेटी की इजाज़त का इंतज़ार किया जाएगा तब तक जी दहशतगर्द वेट करेगा आपका कि जी आप इजाजतनामा लेके आ जाएँ मैं यहीं मौजूद हूँ या वो भाग जाएगा वहां से बसमान सादिया मुश्किल ये है कि पंजाब हुकूमत को डिनाइल मोड से निकलना पड़ेगा चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हैं नाइनटीन एटी सेवन में जब पहला वाक़ होता है मौलाना ज़हिर का उनको शहादत हो जाती है फिर नईमी साहब को उनके मदरसे में मार दिया जाता है यूसर रज़ा गिलानी साहब के बेटे को उठा लिया जाता है वहाँ पर शहादत होती है गवर्नर साहब का बेटा उसको उठा लिया जाता है वो कैसे वापस आता है फिर छोटू गैंग को आप देख लें फिर और बहुत सी ऐसी मिसालें जो मैं आपको दे सकती हूँ और आप भी जानती हैं उसके बाद ये तो लॉन्ग अवेटेड था कि यहाँ पे भी ये कार्रवाई हो अब ये जो कार्रवाई है ये कोऑर्डिनेटेड और इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई होने जा रही है और जहाँ तक पंजाब हुकूमत अभी भी लेत लाल से काम ले रही है तो वो इतना मुनासिब नहीं होगा क्योंकि अवाम अब मरहून मनत नहीं है कि वो मज़ीद और शहादतें दें मुझे बताइए कि लाहौर में वाकया होता है माल रोड के ऊपर पुलिस की शहादतें होती हैं ये पुलिस जान भी दे रही है शहीद भी हो रही है फिर इनके बच्चे ये क्यों सुने कि हमारे जो वालद हैं या हमारे जो घर के जिन लोगों ने शहादत दी है वो इनकेपेबल भी थे देखिए बात यह है कि ये ठीक है आज ज़रब अज़ भी हो रहा है और रद्दलफसाद भी हो रहा है और पंजाब के आठ डिस्ट्रिक्ट तो उन्होंने सेलेक्ट भी कर लिए हैं जो ये बात कर रहे हैं ये नोटिफिकेशन और हमारे इधर पंजाब के बैठे हुए तर्जुमान भी बैठे हैं ठीक है अपनी गवर्नमेंट को आप ज़रूर डिफेंड करें मगर एट द कॉस्ट ऑफ पीपल देखिए इस डिनयल मोड से निकलें ये मुश्किल है ठीक है Uh, पंजाब आप कहते थे कि दूध की लहरें बह रही हैं और तमाम चीजें ठीक हैं अगर ठीक होती तो आज जरूरत okay. ना पड़ती कि यहाँ पे फौज है यहाँ पे रेंजर्स आए ये जो गढ़ हैं, ये सेवन शरीफ में जो वाक्य होता है खैबर पख्तून खा में होता है आखिर इनकी नर्सरिया क्या है शादिया एक 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 तो मुझे बोलने की जरूरत पड़ी है शादिया मुझे मैं ये कहती आज ये जो नर्सरी है आज ठीक है आपने जरब किया ये सिम्टम्स है ये जो कार्रवाई हो रही है फौज की सिम्टम्स को आप हैंडल कर रहे हैं कॉज को क्या हैंडल कर रहे हैं कॉज वो माइंड सेट है जो स्लीपिंग uh, सेल्स में बैठा हुआ है उसको आपने चुनना है और उसको खत्म करना है वो बॉर्डर पार भी है और मुल्क के अंदर भी है तो सिम्टम्स को आप डील करने अब तो जहर दर्द बहुत ज्यादा हो गया है इमरजेंसी में आपने जाना है, 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 और वो करना है। करने और जो आपने कहा कि मुल्क के अंदर भी और बाहर भी तरीके से है जरा एक तो इसकी सिग्निफिकेंस के हवाले से और ये इसकी इसका बर डिसीजन जो इस वक्त लिया गया है और जो अफ़गानिस्तान से बारहा ये कहा जा रहा है कि रीसेंट इंसिडेंट्स में भी उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है आपके ख़िलाफ़ जमात व लहरार आपने अफगानिस्तान को लिस्ट थमा दी कि ये लोग वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं इन रिटर्न वो आपको चंद नाम दे देते हैं फिर आर्मी चीफ़ का जो बयान था इस इस इस, इस ख़त् के अंदर अमन कायम करने के हवाले से दहशत गर्दों को ख़त्म करने के हवाले से कि अफगानिस्तान साथ मिल कर काम करे वो लगता है कि उस हवाले से कोई ना कोई कोई चांसेज़ हैं पेशरफ के या फिर ये बहुत दूर की बात है अभी Uh, मेरे ख़्याल में एक तो यह है कि इनिशियली जो ऑपरेशन जरब अज़ब था जो थ्रेट था जो नेचर ऑफ थ्रेट था वो मुख्तलिफ़ था ये लोग हमारे यहाँ यहाँ मौजूद थे शुमाली वान में खैबर एजेंसी में उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया और फिर जो है उनका थोड़ा सा पीछा किया गया कराची में अभी जो नेचर ऑफ थ्रेट है ये है कि ये लोग यहाँ से निकल चुके हैं ये अफगानिस्तान में बैठे है इनके सेफ़ हेवनज है इनके पीछे सपोर्ट है इनके पीछे गाइडेंस है इंडिया की और अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस की और हमारे मुल्क के अंदर जो है इनका नेटवर्क है तो इसके ये जो ऑपरेशन है रद्दुल फसाद ये टोटली डिफरेंट जो थ्रेट है उसको डील करने के लिए एक तफसील से सोची हुई ऑपरेशन है इतने दिनों से जो बात इधर आती थी छोटे छोटे हिस्से में लेकिन मैं देख रहा था कि अभी तक ये ड्राइंग बोर्ड पे है और पूरे ऑपरेशन को कंसीव करने के बाद ये ऐलान करेंगे जो ऐलान कर दिया गया है आ, मेरे ख़्याल में इसमें जो चीज़ें नेचुरली बताई नहीं जा सकती आ, वो ये है कि ये जो अफ़ग़ानिस्तान में है वहाँ से जब ये यहाँ पर ये करते हैं तो उसके अंदर शायद इंटेलिजेंस पेनेट्रेशन ज़रूरी होगा आ, आपके मुल्क के अंदर जो आ, आप आ, कह रहे हैं कि इनके फैसिलिटेटर्स को ख़त्म करना होगा ये इसका ज़्यादा दारोमदार इंटेलिजेंस पे होगा क्योंकि किसी का यानी पंजाब में या सदरन पंजाब में बग़ैर छोटे से इलाक़े के डेरे गाली ख़ान के बाकी मैदानी इलाका है घर है किसी घर में अगर कोई टेररिस्ट का हमें पता चल सकता है वो पता कैसे चलता है वो इंटेलिजेंस से होगा और फिर ये छोटे छोटे ऑपरेशन होंगे और मेरे ख़्याल में कानूनी बहस में अगर हम ना पढ़े मेरा ख़्याल नहीं है कि अगर हमें पता हो कि इस इलाके में टेररिस्ट है कि हम आ, आ, इसका इंतज़ार करेंगे ये जो टेररिस्ट एक्ट है ये मेरे ख़्याल में पावर्स देता है आ, रेंजर्स को और आ, वो जो कहते हैं कि पुलिस की असिस्टेंस के लिए आ, नहीं वो फिर काम नहीं आती बल्कि पुलिस को वो कि 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 अगर कि सिर्फ सिर्फ पुलिस की आपकी मुआवनत के लिए वहाँ मौजूद होंगे तो आप कहते हैं कि वो चीज़ काम नहीं आती लेकिन एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत जो है उनको इख्तियार डेफिनेटली मौजूद हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन महमूद शाह साहब कहते हैं कि वो इंतहाई ज़रूरी होंगे पंजाब के हवाले से अगर हम बात करें और ना सिर्फ दहशत गर्दों को बल्कि उनके सहूलतकारों को जो एक हम बड़े लंबे अरसे से सुनते आ रहे हैं कि जी ये ज़्यादा अहम कार्रवाई है उन तक पहुंचना, उन पर हाथ डालना इस हवाले से भी देखा जाएगा कि पंजाब में कितने सहूलतकार पकड़े जाते हैं एक ब्रेक लेंगे ब्रेक से वापस आएंगे तो जिस तरह हमने आपको भारतीय आर्मी चीफ़ सबक आर्मी चीफ़ का एक बयान सुनाया था और ये उस वक्त का बयान था जब पाकिस्तान में ये मुत्द जो एकदम आपने धमाके देखे हैं सानह देखे हैं उनसे चंद दिन पहले दिया गया था उस हवाले से और आर्मी चीफ का जो कुलभूषण यादव के हवाले से बयान है मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आहदीद ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरीके से बात हो रही थी कि अब ये देखना है कि वो तमाम चीज़ें कौन सी हैं जिन पर हम अमल दरामद करने में नाकाम रहे हैं ब्रिगेडियर साहब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का जिक्र कर रहे थे पंजाब में अब जो रेंजर्स की तैनाती हुई है उसको किस तरीके से देखा जा रहा है लेकिन साथ ही साथ नेशनल एक्शन प्लान का जिक्र हुआ कि उसमें जो नुकात नकासवी का शिकार हैं उस हवाले से हमें मज़दीद काम करने की ज़रूरत है और अफ़ग़ानिस्तान की सरज़मीन जो इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान में इस किस्म की एक्टिविटीज़ इस किस्म के इंसिडेंट्स के लिए धमाकों के लिए टेर्रिज़म के लिए उस हवाले से भारत से ये मामला टेकअप करना जो हमने आपको पहले कहा था कि सफारती सतह पर कुलभूषण यादव के मामले को कहाँ रखा गया है किस तरीके से उसको तरजीह बुनियादों पर उठाया जा रहा है जबकि आर्मी चीफ़ का भी स्टेटमेंट आ गया है कि इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेकर जाएंगे तो वो मनतकी अंजाम क्या हो सकता है और ये भी जो आपको थोड़ी देर पहले सुनाया था एक बार फिर से यादहानी के लिए सुनाते हैं कि भारतीय सबक आर्मी चीफ जनरल बिक्रम सिंह ने अपने मजमूम अजाइम का इजहार किस तरीके से खुलेआम किया और ये भी बताया कि कश्मीर से अगर पाकिस्तान की तवज्जो हटानी है बाहर के मामला से तवज्जो हटानी है तो उन्हें अपने अंदरूनी मामला में उनकी फ़ौज को अंदरूनी मामला में इस हद तक उलझा दो कि बाकी वो तमाम चीज़ें भूल जाएं कश्मीर जो कि अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन है उस हवाले से भी बात की एक बार फिर सुनिएगा हमने इनकी जो एक नजर है जो इस वक्त बाहर की तरफ है उसे हमने घुमा के अंदर इंटरनल उनको अंदर अपनी जो मुल्क के हालात है वहां पे करवानी है और तभी होगा जब हम उनको उनका खून बहाएंगे ठोकना कैसे है हमें जरूरी नहीं हम खुद करें पाकिस्तान के अंदर बहुत लोग मिल जाएंगे जो कि पैसे के लिए काम कर देंगे अगर हम पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते हैं तेल फेंकते हैं हमें वो करना चाहिए तो जब हम तेल फेंकेंगे उसकी इंस्ट्रेक्शन मूवमेंट्स के अंदर तो यकीन पाकिस्तान की फौज अपनी तरफ अंदरूनी जो मामला उनका माहौल है उसको देखेगी ना कि कश्मीर में क्या हो रहा है भारत में क्या हो रहा है हमें ये केपेबिलिटी तैयार करनी है एसीमेट्रिक केपेबिलिटी तैयार करनी है तो अल्स वी डू दैट यू हैव टू कट लोहे को लोहा काटता है केपेबिलिटी अपनी होनी चाहिए लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनकी अवाम को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के लोगों को इस्तेमाल करते हुए और पाकिस्तानियों का खून बहाने का जो मंसूबा है वो भी बता दिया और उसके बाद हमने देखा है कि मुतद इस किस्म के सान हमारे सामने भी आए हैं और अफ़गानिस्तान में जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान में ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कराने के हवाले से जनरल साहब अभी तो जो जमातुलटी क्लेम कर रही है जितने भी जो है वो तैयार से से हो रहे थे हमने हैंड ओवर किए थे देखिये बात यह है कि ये एक तरह का इतराफी बयान है और आपको पता है कि इंडिया के वजी अजम से लेके बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने बयान दिए हैं और उससे हमें यह पता है कि हमने जो जो इंफॉमेशन कलेक्ट की जिस तरह कुलबोशन पकड़ा उसका था, भी एतराफी बयान लतीफुल्ला महसूद हमारे पास है जो अमेरिकन ने हवाले किया उसके सारे बयान मौजूद हैं जहां वो इंडियन इंटेलिजेंस से वो जाके मिलता रहा और वहां से पैसे लेता था ये कोई नई चीज नहीं है यह एक तरह का एतराफी बयान है कि हम ये कर रहे हैं अच्छा अब चीज़ यह है कि हमें जिस चीज का सामना है वो ये है कि हमारी अपनी सफों में हमारी आस्तिनों के सांप मौजूद हैं आज जब हम ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं क्या हम उन आस्तीनों के साप जो हैं उनके बारे में कुछ कर रहे हैं आपको जो वो बात कह रहा है बिक्रम सिंह वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे हाँ। जो पैसे लेके ले कर ले कर काम, काम करेंगे वो आपके मीडिया में भी मौजूद हैं वो आपके लिखन लिखने वाले इंटेलेक्चुअल्स ये वो कई लोग मौजूद हैं उनमें ऐसे भी मौजूद हैं जिनको मैंने खुद देखा है कि उनको अगर लंदन का रिटर्न टिकट और दो या तीन दिन का एक अच्छे होटल का वहां स्टे दे दिया जाए तो वो आपके खिलाफ जो जी चाहे आपसे उनसे उगलवा लें वो बकवास करने के लिए तैयार हैं तो ये बहुत बड़ा एक डायलमा है यहाँ वो कभी अपने आप को लिबरल कह के सामने आते हैं कभी वो आपको हुबल वतनी का ताना देते हैं कभी वो आपको कहते हैं कि जी आप हमें सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हुबल वतनी का ये वो मुश्किल हैं जो यहाँ पे आपके यहाँ मौजूद हैं और वो आपको देखेंगे ये मैं डॉन में भी, भी इसका रेफरेंस दे दूं तो उसमें भी यही था कि इंडियन नैरेटिव वहां पे प्रोजेक्ट किया गया ठीक है कि अफवाज पाकिस्तान को मलाइन करो हमने कल बोशन पकड़ा तो उसने जो स्टेटमेंट्स दी उसमें उसने बताया कि उसको क्या टास्क मिले हुए थे उसमें एक बहुत अहम टास्क उसको यह दिया गया हुआ था कि तुमने पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दमादी पैदा करनी है और नफरत पैदा करनी है चुनाचे ऐसे वाकत करा के तो वो बता तो आपने डॉन लीक का जिक्र किया आखिरी बार वजी दाखिला ने बात की थी कि चार दिन में रिपोर्ट आ जाएगी वो तो जो डीजीआई ने भी उम्मीद का इजहार किया था अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जगह पे लेकिन मैं ये आपको बड़ा वाजभ बता दू जनरल कमर जावेद बाजवा ये भूला नहीं है यह किस्सा निकलेगा आप देखेंगी ये वक्त आने पर यह सारा किस्सा खुलेगा और सामने आएगा लेकिन मसला यह है कि आप बाकी तो बाहर लं लड़ सकते हैं आतीम के सांपों का क्या करें जो इधर आपकी सफों में छुपे हुए बात रहे थे मैं मलिक साहब से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ हम नॉन पोलिटिकल लोग हैं किसी से सियासी वाबस्तगी नहीं जो एनालिसिस देते हैं वो सो फीसद अपने ज़मीर और अपनी अकल के मुताबिक उनको मलिक साहब की गवर्नमेंट को मलिक साहब की गवर्नमेंट को वोट लेके लोगों के जानो माल के तहवज का दो साल बाद ख्याल आया है अच्छा। अगर दो साल पहले ख्याल आ गया नहीं, होता पहले तो आज कहते पूरे। थे पूरे। हमारी है नहीं तो ये दो है। साल बाद कोई ऐसी बात करके आज जिस फिजा की जरूरत है और जिस एक की जरूरत है बेशक कर लें नहीं ये गलत है कि आपको दो साल बाद ख्याल आया आप मुझे ये कहें अब मुझे इजाजत दें बात करने की क्योंकि अगर क्लैरिटी तो ना आए आप बात करें बात आपको ये कैसे एहसास हुआ कि ये जो ऑपरेशन है इसमें पंजाब गवर्नमेंट की किसी तरह से भी कोई ऐसी दिलचस्पी नहीं है कि हुकूमत लोगों को जानो माल का तहफ़ दे कोई एक फैक्टर तो होगा जिसको हम ऑन लॉजिक एंड रेशनैलिटी जिसमें बात करें दो वजूहत मुझे इजाज़त दो वजुआत मुझे दो पहले इजाज़त जी आपके साथ वही बात करने लगा हूँ कि जो आप रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट के हवाले से जिक्र करेंगे कि रेंजर्स की डिप्लॉयमेंट दो साल बाद हुई है ये एक पॉइंट है अब इस पर हम जरा एक पूरी रैशनल और सब्सटैंशिएटेड बात करें नैशनल एक्शन प्लान में जो 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 उसकी डिमांड थी नेशनल एक्शन प्लान की वो थी कपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द सिविल इंस्टीट्यूशन और यह मैं आपको बता दूं कि आपकी जो कम्बेटिंग एफिशिएंसी uh, है वो तो आप पैरामिलिट्री के साथ कर लेंगे लेकिन सोसाइटी के अंदर ये फोर्थ जनरेशन वॉर अनलेस यू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ योर सिविल इंस्टीट्यूशंस यू वॉन्ट बी एबल टू फाइट इट ये हमारा मुद्दा जो है ये पोलिटिकल political... करेक्ट नरेटिव पे हम कहते हैं कि जो पुलिस है पंजाब के अंदर right. जो फ्रंट right. लाइन पर तो no, मुझे मिनट नहीं, नहीं हुआ जन साहब मैं एक बात कहूंगा एक सेकेंड देखें साधिया प्लीज गिव ब्रीफ मिनट जो अदालतें वापस आ रही हैं ये बाहर सूरत आएंगी और आनी पड़ेंगी इस वजह से कि जो दो साल की आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो दो साल की आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वो फ्रॉम डे वन काफी थी और वो क्यों ना काफी थी कि पूरे जुडिशियल सिस्टम की रिवैंपिंग और वो तमाम एलिमेंट्स को करटेल करना जिनकी बुनियाद पर आप दहशत गर्दी के साथ अदालती सतह पर निबरद हो सकते हैं वो दो साल में ये काम हो ही नहीं सकता था और हम उन लोगों में शा... और हम उन लोगों में अनफॉर्चुनेटली डायलोमा यहाँ पर यह है कि हम तो एक नीजर रिएक्शन जरूर हमारी तरफ से आता है कोई सानहा हो गया तो हमें ख्याल आता है कि ये 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 हमने पिछले सान के बाद प्रोमिस किए थे करना था वो हमने कमिटमेंट पूरी नहीं की है आपने अभी फौजी अदालतों की बात कर दी उस दौरान भी वो सनसेट क्लॉज जो था वो खत्म हो गया लेकिन हमने कहा था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करना है हमने प्रोटेक्शन प्रोग्राम लाना है उन चीजों पर अमल दरामद नहीं होता आज फिर हम यही बात कर रहे हैं कि अब चले मजीद कर लेंगे वो मजीद क्या होगा इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद महरीन साहब ब्रेक पे जाने से पहले मलिक साहब पॉलिटिकल नैरेटिव की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जी फौज तो डेफिनेटली ऑपरेशन कर ही रही है लेकिन सिविल इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन किया है और ये बड़ी अहम जिम्मेदारी थी जो हुकूमतों को करना था काम आपकी नज़र में वाकई कितना स्ट्रेंथन हुई है हमारे सिविल इंस्टीट्यूशन आयशा देखिए बात यह है कि मैं फिर ये कहूँगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चार पॉइंट्स कहा था इस हुकूमत को वो करे वो ये था कि आपका फॉरेन मिनिस्टर नहीं है और फॉरेन मिनिस्टर होना ज़रूरी है जब जीएचक्यू में अम्बेसडर्स को बुला के ब्रीफिंग की जाती है ये ये बड़ी एक ये बताइए कि सिविल इंस्टीट्यूशंस की क्या पोजीशन है फिर उन्होंने कहा कि आपकी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है और मिनिस्टर हैं वहाँ कमज़ोरियाँ हैं उसको ठीक किया जाए वो इसलिए कहा कि वाकई कमज़ोरियाँ थी काजी ईसा की जो रिपोर्ट है वो स्ट्रेंथन करती है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के स्टेटमेंट को फिर उन्होंने कहा कि इकोनॉमिकल आपकी इकोनॉमिक जो है वो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है देखिए आज हम, हम बात कर रहे हैं जरुआस की भी कर रहे हैं रद्दुलफसाद की भी बात कर रहे हैं इन इन मामला की ज़रूरत क्यों पेश आई अगर नेशनल एक्शन प्लान के अंदर आपके 20 नकात थे 20 नकात में आपकी जो सिविल इंस्टीट्यूशंस को इम्प्रूव करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत बड़ी एक मामला थे आज हमारा भाई ये मलिक अहमद कह रहे हैं कि जी ये 24 महीने बहुत कम थे तो भाई उस वक़्त आपका जो आ, 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 सोच थी उसने काम नहीं किया कि 24 महीने से हमें ज़्यादा चाहिए होगा फिर इन 24 महीने में आपने सिविल इंस्टीट्यूशन का क्रिमिनल लॉजिटिक सिस्टम का मदरसा रिफॉर्म्स का इनके माइंडसेट को चेंज करने का अच्छा क्या किरदार आपने मतलब उसमें आपने क्या किया एक फ़ॉरन मिनिस्टर आप नहीं रख सके शर्म की बात है हर चीज़ में फ़ौज को इन्वॉल्व आज तो ज़रूरत पेश आ गई है एक छोटू गैंग इनसे संभाला नहीं गया ज़रूरत पेश आ गई है देखिए बात यह है कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि पॉलिसी को चेंज करने की ज़रूरत है ब्लेम शिफ्ट करने की बजाय पॉलिसी को शिफ्ट किया जाए ये देखा जाए कि ये जो दहशत गर्दी के हालात वाकयात हो रहे हैं इनको हमने ख़त्म कैसे करना है आज इंडिया में बैठा हुआ वो एक जनरल है या जो भी है वो एक बात करता है उसका हमारी फौज ने उसी अल्फाज में मुंह तोड़ जवाब दिया बहुत अच्छी बात है मगर मैं ये कहती हूँ कि अगर सिविल इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी बिल्डिंग हो और जो होनी चाहिए तो ये मामला पेश नहीं आएंगे और मैं आपको एक और चीज बताना ये, ये जो पॉलिसी शिफ्ट की आप बात कर रही हैं जी फरमाइए जी देखी देखी कर लीजिए बात इसमें इस हमारे जो उलमा हजरात हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी आ, एक किरदार है कि वो इसका मुस्बत पहलू लें जैसे अभी एक अलामा शाहिद जलानी साहब है उन्होंने कहा कि जो दहशत गर्दी का हमला करता है वो इस्लाम से खारिज हो जाता है तो इस तरह, अगर इस तरह के अगर बयान आए जो पॉलिसी बात की है महमूद शाह साहब ठीक है ये जो जनरल बिक्रम सिंह का बयान हो गया कुलभूषण यादव के इस तरह के उनके वजरा के एतराफी बयान आ गए सीज फायर वायलेशन एल पर नजर आती है आर्मी चीफ ने उसका खुद जवाब दे दिया या फिर हमारी फौज जो है वो बॉर्डर पर आ, ये जवाब दे रही होती है लेकिन ये इस किस्म के बयानात हम किस हद तक आ, अच्छे तरीके से टेकअप कर सकते थे कुलभूषण यादव के मामले को आप कह रहे हैं कि के अंजाम तक पहुंचाएंगे बट सफारती सतह पर आपको नजर आता है कि हमारी कोताहियां हैं क्योंकि भारत तो फिर वही किया जा रहा है वो प्रॉक्सीज थ्रू अफगानिस्तान यूज कर रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान जी बिल्कुल मेरे ख्याल में जो ऑपरेशन अभी है रद्द ये इसके तीन पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये कड़ी होगी नंबर वन नेशनल एक्शन प्लान जोर से इस हुकूमत से इसके ऊपर uh, uh, किया जाएगा नंबर टू एग्रेसिव डिप्लोमेसी इसकी आपको इंतहाई ज़रूरत है मैं ये कोई सियासी एंगल से बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन ये है कि uh, हमारे जो मौजूदा मशी खारजा है बहुत इज्जत से मेरे बड़े हैं मेरे वाकिफ है लेकिन उनसे ये नहीं हो रहा और आपको बहुत एग्रेसिव आदमी चाहिए ये और तीन जो है पूरे ऑपरेशन जो है वो इंटेलिजेंस के ऊपर इसका आ, आ, वो होगा सहारा और उसको हमने बहुत ही आगे लेके जाना है जनरल बिक्रम सिंह की जो बात है ये कोई नई बात उन्होंने नहीं की ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने मुफ्ती बाहनी ट्रेन करके आपके मुल्क के अंदर भेज दिए थे अपने लोग नहीं ट्रेन किए थे हमारे यहाँ अपने लोग ट्रेन हुए हुए हैं इंडिया में 28 एट इंसरक्शन मोमेंट्स हैं हमें उस तरफ तोजो देनी चाहिए लेकिन अपने आदमी नहीं इस्तेमाल करने चाहिए इंडियन पैसे नहीं लेते आ, वो पाँच सौ रुपये के ऊपर बम रख सकते हैं मेरे ख़्याल में हमें उसके ऊपर सोचना चाहिए लेकिन आ, ये हमें मालूम है आ, हमारे जो मैं आ, इंसिस्ट करता हूँ कि तीन ये मेजर इ, इसके पिलर्स होंगे नेशनल एक्शन प्लान इंटेलिजेंस जिसका जिक्र भी किया आज चाहे वो इंटराज की बॉर्डर हो चाहे इंटरनल हो जिया और एग्रेसिव डिप्लोमेसी जी जिया सही ये तीन चीजें राइट आई हैव टू वाइंड अप हियर बहुत तो है सिर्फ एक बात मैं सिर्फ ये कह दूं बिक्रम सिंह जिन लोगों का कह रहा है कि वो खरीदे जा सकते हैं वो हमारी उनका क्या करना है महमूद शाह मेरी ननवर राजा साहब और मलिक अहमद खान साहब का प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए इजाजत दीजिए